आयो लाल झूलेलाल। चेटीचंड के दिन भगवान झूलेलाल का जन्मदिन रहता है और सिंधी समाज के नूतन वर्ष का शुभारंभ होता है। नया वर्ष समाज में नई उमंग, नया उत्साह एवं नई प्रेरणाएं जागृत करता है। चेटीचंद पर दीपावली की तरह घरों एवं दुकानों पर जगमगती रोशनी की जाती है और इस रोशनी से मन को रोशन करने की नेक भावना रहती है। चेटीचंद अर्थात भगवान झूलेलाल का जन्म समाज को एकता और बंधुत्व का संदेश देता है। भगवान झूलेलाल मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता है। जो मनुष्य सच्चे मन से अपनी कामना की झोली फैलाकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं, उनकी झोली कभी खाली नहीं जाती। लोग अपनी हर इच्छा, हर अच्छी कामना लेकर जाते हैं और खुश होकर उनके दरबार से लौटते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी चैत्र मास के चंद्र दर्शन के दिन भगवान झूलेलाल जी का उत्सव संपूर्ण विश्व में चेटीचंड के रूप त्योहार के रूप में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चूंकि भगवान झूलेलाल जी को जल और ज्योति का भगवान वरुण देव अवतार माना गया है, इसलिए काष्ठ का एक मंदिर बनाकर उसमें एक लोटी से जल और ज्योति प्रज्वलित की जाती है। भगवान वरुण देव का स्तुति गान करते हैं और समाज का परंपरागत नृत्य छेज करते हैं। चेटीचंड के अवसर पर सिंधी समुदाय द्वारा भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा इस दिन कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सिंधियों द्वारा मनाए जाने वाले भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव या चेटीचंड की शुरुआत सुबह टिकाने यानी मंदिरों के दर्शन और बुजुर्गों के आशीर्वाद से होती है। चेटीचंड के मौके पर जल यानी वरुण देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान झूलेलाल को जल देवता के अवतार के तौर पर पूजा जाता है। चेटीचंड के दिन सिंधी समाज के लोग नदी और झील के किनारे पर बहिराणा साहिब की परंपरा को पूरा करते हैं। बहिराणा साहिब इसमें आटे की लोई पर दीपक, मिश्री, सिंदूर, लौंग, इलायची, फल आदि रखकर पूजा करते हैं। चालीहो साहब नामक पूजा अर्चना की जाती है। सिंधी समुदाय के लोग जल देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करें। इस परंपरा का उद्देश्य है मन की इच्छा पूरी होने पर ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना और जलीय जीवों के भोजन की व्यवस्था करना। इस मौके पर भगवान झूलेलाल की मूर्ति की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान सभी लोग एक स्वर में जय घोष करते हुए कहते हैं, चेटीचंद जू लख लख वाधायु। सिंधी समुदाय व्यापारिक वर्ग रहा है, सो ये व्यापार के लिए जब जल महक से गुजरते थे तो कई विपदाओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए इनके यात्रा के लिए जाते समय महिलाएं वरुण देवता की स्तुति करती थी। क्योंकि भगवान झूलेलाल जल के देवता है, अतः यह सिंधी लोग के आराध्य देव माने जाते हैं। जब पुरुष वर्ग सकुशल घर लौट आता था तब चेटीचंद को उत्सव के रूप में मनाया जाता था और भंडारा किया जाता था।
चेटीचंड सिंधी लोगों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जिसे सिंधी नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। सिंधी समुदाय अपने इष्ट देवता श्री झूलेलाल की जयंती के रूप में चेटीचंड को मनाते हैं, जिन्हें लाल साई, उदेरुलाल, वरुण देव आदि नामों से जाना जाता है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एवरीथिंग इन यूनिवर्स को और बेल आइकॉन को दबाइए मेरे अपलोड्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए।